पशु पक्षी और अन्य जानवरों को प्राकृतिक आफतों के बारे में या अन्य किसी भी तरह की आफतों के बारे में सबसे पहले आभास हो जाता है। कहते हैं कि जानवरों में सूंघने और स्थिति को भांपने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। जीव विज्ञानी बताते हैं कि भविष्य में होने वाली घटना के संकेत पाने के लिए या भविष्य में होने वाली घटनाओं को सूंघने के लिए बहुत से जानवरों में संवेदी अंग पाए जाते हैं। इन अंगों की वजह से उन्हें किसी भी बड़ी घटना की सूचना पहले से ही मिल जाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ रोचक जानकारी। मान्यता अनुसार जिस घर में काले चूहों की संख्या अधिक होती है वहां कोई प्रॉब्लम के अचानक होने का अंदेशा रहता है। ये भी माना जाता है कि यदि घर में काले रंग के चूहे बहुत अधिक तादाद में दिन और रात भर घूमते रहते हो तो समझ लीजिए कि किसी रोग या शत्रु का आक्रमण होने वाला है। सांपों में किसी भी भूकंप और सुनामी जैसे विनाशकारी तूफान के बारे में जानकारी देने की क्षमता होती है। सांप अपने जबड़े के निचले हिस्से को जमीन से लगाकर धरती से उठने वाली तरंगों और सूक्ष्म हलचल को महसूस कर लेता है। भूकंप का एहसास होते ही सांप अपना बिल छोड़कर बाहर आ जाता है क्योंकि वह जानता है कि बिल भी ढह सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्यादातर जानवर पृथ्वी से आने वाली तरंगों के आधार पर और हलचल की आवाज सुनकर भविष्य के प्रति सतर्क हो जाने की आगाह करते हैं। सांपों की तरह ही मेंढकों को भी भूकंप का पता चल जाता है। यदि सभी मेंढक एक साथ तालाब छोड़कर पलायन कर जाए तो समझ लो कि भूकंप आने वाला है। जहां भी आज तक भूकंप आया है वहां लगभग 3 दिन पहले से सारे मेंढक जादुई तरीके से गायब हो गए हैं। पशु पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं को कई दिन पहले ही भूकंप यानी कि ज्वालामुखी का फटने का पता चल जाता है। वो ऐसा स्थान छोड़कर पहले ही चले जाते हैं। मानव इनके विचित्र व्यवहार को समझ नहीं पाता। यदि मानव इन्हें समझ ले तो वो भी प्राकृतिक आपदाओं से बच सकता है। भूकंप आने से कुछ मिनट पहले राजहंस पक्षी एक समूह में जमा होते देखे गए हैं, तो बतखें डर के मारे पानी में उतरती पाई गई। इतना ही नहीं, मोरों को झुंड बनाकर बेतहाशा चीखते हुए पाया गया था। विश्व में जहां भी जानवरों में इस तरह के बदलाव देखे गए हैं वहां इसके कुछ मिनट बाद ही बड़ी भयंकर तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। कुछ पक्षियों का व्यवहार विचित्र होते हुए देखा गया है, जैसे वो बार बार वृक्ष पर बैठकर फिर से भूमि पर बैठ जाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि हम कहां सुरक्षित रह पाएंगे। अमेरिका के पश्चिमी द्वीप समूह में माउंट पीरो नाम का एक पर्वत है। इस पर्वत से एक दिन अचानक ज्वालामुखी फूट पड़ा। चारों तरफ दहकते अंगारे फैलने लगे, पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो गए। माना जाता है कि इस प्राकृतिक आपदा में लगभग 30,000 लोग काल के गाल में समा गए। जो लोग इस घटना के बाद जीवित रह गए उनका कहना था कि यहाँ के पशु पक्षी काफी दिनों से रात में खूब रोते थे। पशु पक्षियों ने यहाँ से अपना बसेरा बदल दिया था। अमेरिका में तो इस तरह की कहावतें कही जाती है कि मौसम की सबसे सटीक भविष्यवाणी मौसम विभाग नहीं बल्कि हेजहॉग नाम का ये जानवर करता है। मछलियां भी समुद्र में सुनामी या भूकंप के आने का पहले से ही पता चल जाता है। वो भूकंप की तरंगों को बड़ी तीव्रता से पकड़ती है और वो उसके केंद्र से पहले ही बहुत दूर निकल जाती है। माना जाता है कि समुद्र की गहराई में रहने वाली और फिश भूकंप को महसूस करने में सबसे तेज होती है। रिबन की तरह दिखने वाली लगभग 5 मीटर लंबी डरावने मुंह वाली ये मछली आमतौर पर समुद्र के किनारों पर नहीं आती, पर भूकंप के समय इसे तटों पर पाया गया है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इनके किनारों पर पाए जाने के बाद जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 7.5 से अधिक ही रही है। तो कुछ सालों पहले ब्रिटेन में ऑस्कर नाम की एक बिल्ली ने एक पूरे नर्सिंग होम की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि वो बिल्ली जिस मरीज के बिस्तर के पास बैठी हुई मिलती थी समझो उसे ईश्वर का बुलावा आने वाला है। बाद में इस अस्पताल के डॉक्टर ने रीडर्स डाइजेस्ट में बिल्ली की भविष्यवाणी के कारण ढूंढते हुए एक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने बताया कि मरने से पहले व्यक्ति के शरीर के आसपास एक खास किस्म की रासायनिक गंध आने लगती है और शायद वो बिल्ली उसी को सूंघ लेती थी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में से कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।